तो गाइज अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ फेयर होने से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाएंगे या फिर लड़की आपके पीछे पीछे भागेगी, तो ये माइंडसेट बनाए हैं हमारे इंडियन एड्स एंड फेयरनेस क्रीम्स ने। फिर चूड़िया झुमके पायल ऐसा लाखों एग्जांपल्स है जो लोग डार्क होने के बाद भी उन लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और उसके गर्लफ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो नेवर बी डिमोटिवेट, आपके पास जो है उसी में कॉन्फिडेंट रहे एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके स्किन टोन डार्क है और आप इसको नेचुरली फेयर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, बट केमिकली अभी बहुत सारे प्रोसेस आ चुके हैं, केमिकली बहुत सारे क्रीम्स हैं जिसको यूज करके आप इजीली फेयर बन सकते हैं। बट इन दिस केस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अच्छे से स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये सब केमिकल क्रीम हर एक स्किन टाइप के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा क्रीम को रिकमेंड करके आपको मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी अच्छा सा स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप नेचुरली अपने स्किन को, आपके स्किन टोन अगर डार्क है उसको वेट ग्रूम्ड बना के अपने स्किन का जो 100% है, आपके स्किन का जो बेस्ट है वो आप ला सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस इस वीडियो में मैं जो 5 टिप्स आपको बताने वाला हूँ उनमें से 4 टिप मुझे लगता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव, और 4 टिप को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको 3rd टिप को अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 3rd टिप को अप्लाई करने के बाद ही आपको 4th टिप का बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो टिप नंबर 1 है अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। जी हाँ, इन बिजी लाइफस्टाइल हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, हम लोगों को डायरेक्ट सनलाइट में जाना ही पड़ता है, और डायरेक्ट सनलाइट में जाने से आपके स्किन मेलानिन प्रोड्यूस करता है। यही मेलानिन आपके स्किन को डायरेक्ट यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। इन सेम टाइम यही मेलानिन आपके स्किन को डार्क भी करता है। तो जब आप डायरेक्ट सनलाइट पे जाते हैं तब आपके स्किन ये मेलानिन प्रोड्यूस करता है और आपके स्किन और ज्यादा डार्क होते हैं। तो ट्राई करें कि जितना कम हो सके आप डायरेक्ट सनलाइट में जाएं। अगर इनकेस आप डायरेक्ट सनलाइट में जाते भी हैं तो सनस्क्रीन का यूज जरूर करें। तो सेकेंड टिप्स है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। जी हाँ, जब आप ज्यादा पानी पीते हैं इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हुआ रहते हैं, आपके स्किन के नीचे जो डर्ट पॉल्यूशन जमा हुआ रहते हैं वो पानी के साथ साथ फ्लैश आउट होते हैं और आपके स्किन को, आपके बॉडी को अंदर से क्लीन करता है और आपकी स्किन को अंदर से क्लीन बनाता है। सो पानी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर पिए। तो टिप नंबर 3 है एक्सफोलिएशन। आपको हफ्ते में एक बार आपके स्किन को स्क्रब जरूर करना है। इससे क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाते हैं और आपके डेड स्किन के नीचे जो न्यूली सॉफ्ट स्किन होते हैं वो निकल के बाहर आता है और आपके स्किन के जो नेचुरल ग्लो है वो फिर से वापस आता है। सो हफ्ते में एक बार या दो बार स्क्रब जरूर करें, इससे आपके स्किन की जो नेचुरल ग्लो है वो निकल के बाहर आएगा। तो 4th टिप है क्यूकम्बर जूस, जिसको हम लोग टिपिकली हिंदी में खीरा का रस भी बोलते हैं। ये आपके स्किन के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल भी। आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक नेचुरल स्किन ग्लोइंग क्रीम आप इसको कह सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस दिन फेस स्क्रब करते हैं उसके बाद अगर आप खीरे के जूस को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपके स्किन की जो नेचुरल ग्लो है, आपके स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाएगा और आपके स्किन की ग्लो फिर से वापस आ जाएगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके डाइट आपके स्किन के एंड आपके बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, व्हाट यू ईट दैट यू वुड बी।
इसका मतलब आप जो भी खाते हैं आपके स्किन पे आपके बॉडी पे वही शो होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली एंड जंक फूड खाएंगे तो आपकी स्किन कभी भी क्लीन नहीं दिखेगा। तो आप ट्राई करें कि हमेशा क्लीन एंड फ्रेश फूड को खाएं, इससे आपकी स्किन की नेचुरल ग्लो अंदर से निखर के बाहर आएगा और आपके स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखेगा। सो ट्राई करें कि हमेशा क्लीन एंड फ्रेश फूड को ही खाएं। सो गाइस, यही था फुल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इससे क्या होगा कि मेरी कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा एंड साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।